So hey guys, welcome back to a new fresh video. My name is Shailesh Yadav and you are watching Medicos Tech. So thumbnail देख के तो पता चल गया रहेगा आज का टॉपिक कौन सा है, लीवर एनाटॉमी एंड इट्स हिस्टोलॉजी. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत. सो लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो लीवर एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे लीवर के बारे में. सो पहले हम वो स्टार्ट करते हैं कि देखो, जैसे कि अगर आप लोग को थोड़ा सा इमेजिन करो कि लीवर कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है. सो लीवर हमारा जो है वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन जाना जाता है और वो अराउंड कम से कम 1.5 केजी का होता है, कम से कम मतलब 1.5 किलो का होता है. और बात करें उसके सिचुएशन मतलब वो कहाँ पे पोजीशन है उसका. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो 9 quadrants होते हैं वो मैं बनाता हूँ, उससे आप लोग को और भी अच्छे से पता चल जाएगा. सो ये हो गया हमारे टोटल 9 quadrants और यहाँ पे मैं बनाता हूँ हमारा लीवर प्रेजेंट कहाँ होता है. फिर हम लेबलिंग की बात करेंगे कि हमारा जो लीवर है वो कौन से पार्ट में लाया करता है. तो ये हो गया हमारा लीवर. थोड़ा सा डायग्राम आप लोग एडजस्ट कर लेना. सो देखो यहाँ पे ये कौन कौन से पार्ट ऑक्यूपाई करता है. सो ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिया और ये है एपिगैस्ट्रियम. सो ये दो मेन मेजर पार्ट्स को ये ऑक्यूपाई करता है. बट इसका देखो पार्ट थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आ रहा है और थोड़ा सा पार्ट नीचे भी जा रहा है जो कि हमारा राइट लंबर है. ठीक है. सो इसका ये पोजीशन है और वर्टिब्रा के हिसाब से देखें तो वर्टिब्रा इसको पूरा कवर कर लेता है. इसमें यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी बनाता हूँ. सो ये देखो ये हमारा वर्टिब्रा. सो मैंने डॉट डॉट में बनाया ताकि यहाँ पे मैं ज़्यादा वर्टिब्रा नहीं बना सकता. और इसके ऊपर हमारा रहता है डायफ्राम. सो ये ऑलमोस्ट ये पूरा कवर लीवर अंदर रहता है वर्टिब्रा के अंदर. तो आई होप आप लोग को ये समझ गया रहेगा. बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इसमें लोब्स के बारे में. तो मेजर लोब्स दो होते हैं जो कि होता है राइट लोब और लेफ्ट लोब. लेकिन अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो उसमें दो लोब और एक्स्ट्रा रहता है. सो हम वो देखते हैं फटाक से अभी. सो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है. सो यहाँ पे देखो ये पोस्टीरियर व्यू है, मतलब पीछे से आप लोग को अगर लीवर को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप लोग को वहाँ पे चार लोब्स बहुत ही अच्छे से दिए जाएंगे. सो ये देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब. और इतना जो पार्ट है ये हो गया हमारा राइट लोब. और राइट लोब के अंदर ये जो दो मेन दिखते हैं जो हम लोग को एंट्री व्यू से दिखते नहीं है, ये दो लोब्स के नाम है कॉर्डेट लोब. ऊपर वाले को कॉर्डेट बोलते हैं और नीचे वाले को कॉर्ड्रेट बोलते हैं. कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब. सो आई होप आप लोग को समझ गया रहेगा. सो ये पोस्टीरियर व्यू है. ठीक है. और ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है पर एक फाइबरस कवरिंग रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसोम्स कैप्सूल. सो आई होप आप लोग को इतना एनाटॉमी तो समझ गया रहेगा. अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके थोड़ा सा हिस्टोलॉजी पार्ट जाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इसका जो रहता है ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो हमको देखना पड़ेगा. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले ब्लड सर्कुलेशन. सो पहले तो यहाँ पे मैं हमारा हार्ट रहता है उसको बनाता हूँ मैं. सो ये हो गया हमारा लेफ्ट. अरे ये हो गया हमारा मैं ब्लैक से बनाता हूँ.
सो ये हो गया हमारा राइट वेंट राइट हार्ट। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एओर्टा है, एओर्टा से ब्लड आता है नीचे, देखो अब यहाँ से एओर्टा से ब्लड आता है नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट्स होता है। अब हम स्पेशली खाली जो हमको जो रिलेट करना है लीवर के साथ, मैं खाली उसकी बात यहाँ पे करूँगा, ज़्यादा मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूँगा। सो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले तो लीवर। सो ये हो गया लीवर, लीवर के साथ साथ यहाँ पे मैं बनाऊँगा स्टमक। सो ये हो गया हमारा आगे का स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इस यहाँ पे आएगा हमारा स्प्लीन, यहाँ पे आएगा हमारा पैंक्रियास। सो देखो अभी क्या होता है, जो हमारा एओर्टा है, एओर्टा से हिपेटिक आर्टरी निकलती है, सीलिएक आर्टरी निकलती है, सीलिएक आर्टरी में, सीलिएक आर्टरी के अंदर से फिर हिपेटिक आर्टरी निकलती है। हिपेटिक आर्टरी क्या करती है, ये सारे पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। सो देखो ये हमारा सीलिएक आर्टरी निकला, सीलिएक आर्टरी जाएगा बनेगा स्प्लेनिक आर्टरी, फिर इसके बाद ये बनेगा जाके गैस्ट्रिक आर्टरी बनेगा, जो पूरे गैस्ट्रिक को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा, यहाँ तक कि स्टमक को भी, और साथ ही साथ ये पैंक्रियाटिक आर्टरी भी बनेगा जो पैंक्रियास को सप्लाई करेगा। सो ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ का जो ड्रेनेज निकलता है वो ड्रेनेज कलेक्ट होता है एक वेसल के अंदर। चलो ये देखो यहाँ पे स्प्लेनिक वेन से ब्लड निकल रहा है बाहर, फिर पैंक्रियाट देखो अभी गैस्ट्रिक में से यहाँ से बहुत सारे कैपिलरीज से जॉइन करेंगे और ये बनाएंगे एक वेसल जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा स्प्लेनिक वेन आएगा और यहाँ से पैंक्रियाटिक वेन आएगा, और ये सारे जॉइन होंगे और जाएंगे अंदर, जिसको हम बोलते हैं, इस वेसल को हम बोलते हैं पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, ठीक है। अभी पोर्टल वेन अंदर जाता है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कम मात्रा हो, या फिर आप बोलते सकते हैं कि टॉक्सिन रहता है ब्लड के अंदर, ये जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम, जो भी कचरा निकलता है, वो सारा जा रहा है पोर्टल वेन के अंदर। लेकिन अभी लीवर तो इतना ऑक्सीजन उसको कम मिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो इसको एक और सप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी, जो कि सीलिएक आर्टरी से ही निकलता है और वो सप्लाई करता है लीवर को। सो ये हो गया हमारा हिपेटिक आर्टरी। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे जो पोर्टल वेन का सप्लाई है ना बहुत ज़्यादा रहता है, ये अराउंड 70-80% ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जो हमारा हिपेटिक आर्टरी है वो अराउंड 20-30% ही ब्लड सप्लाई करता है, 20-30% ब्लड सप्लाई करता है लीवर को। अब लीवर के अंदर बात करते हैं, लीवर के अंदर ये दो वेसल्स अंदर जा रहे हैं, अभी दो वेसल्स अंदर जा रहे हैं, एक बाइल डक्ट भी बाहर आता है, ठीक है। अभी इसके अंदर है ना स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स की खासियत ये है कि हेक्सागोनल शेप में रहते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके बताता हूँ आपको। सो देखो यहाँ पे जो कुफर सेल्स हैं हमारे, ये कुछ हेक्सागोनल शेप में रहते हैं, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक बनाते हैं। सो ठीक है, अभी क्या होता है, जो यहाँ से ब्लड सप्लाई जाता है वो हर कॉर्नर्स में सप्लाई होता है। सो देखो यहाँ से आर्टरी निकला, ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो हर एक
तीन ही खाली कोफर सेल्स नहीं होते हैं, तीन ही सेल तो हो नहीं सकते, ये पूरा बंडल में रहते हैं। सो मैं खाली यहाँ पे खाली तीन का एक एग्जांपल लिया हूँ। सो यहाँ पे देखो, हर कॉर्नर्स में ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, हर कॉर्नर्स में ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये सप्लाई है हिपेटिक आर्टरी से, ठीक है। अभी वैसे ही सिमिलरली हमारा पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन का भी सप्लाई ऐसे ही है। पोर्टल वेन क्या करता है, हर कॉर्नर्स में जो भी हमारे हेक्सागोनल के कॉर्नर से वहाँ पे सप्लाई करता है, हर एक पार्ट में, हर एक सेल के हर एक पार्ट्स में वो जाते हैं ये लोग। सो ठीक है, आप लोग इतना समझिए। अभी हम क्या करेंगे, एक सेल को उठाएंगे, एक छोटे सेल को उठाएंगे और उसको जूम करके बड़ा सा बना के उसको देखेंगे अब। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा एक सेल पहले बनाता हूँ। सो ये हो गया हमारा एक कूफर सेल या फिर लीवर का सेल बोल सकते हैं आप। सो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हर हिपेटिक आर्टरी हर एक कॉर्नर्स पे जाके अपना वेन सप्लाई करती है। सो अभी हम वो बनाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली हमारा पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन को ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक पोर्टल वेन आएगा, यहाँ पे पोर्टल वेन आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे। सो ये क्या है, हमारा पोर्टल वेन का सप्लाई है यहाँ पे। सो भी बात थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे जो सेल का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे एक वेसल आती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ हमारा सेंट्रल वेन। अभी सेंट्रल वेन का में क्या होता है, यहाँ से इनका लाइन ऑफ कनेक्शन होता है। अब क्या करते हैं, देखो हमारा जो दोनों ब्लड सप्लाई है ये इसके अंदर ड्रेन करते हैं। सो देखो यहाँ से हमारा हिपेटिक ब्लड आया और पोर्टल वेन आया, दोनों अंदर के साइड जाते हैं। सो ये सेंट्रिपिटल है, ठीक है। सो ये सेंट्रल वेन की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरिफ्री का ब्लड है वो अंदर आ रहा है, जो पेरिफ्री का ब्लड है वो अंदर आ रहा है। सेम वे यहाँ पे भी अंदर आता है, यहाँ से भी ये अंदर आते हैं, यहाँ से भी ये अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा जो ये ब्लड है अंदर तो लेके जा रहा है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा बात करते हैं यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे हिपेटोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये कुछ इस तरह में रहते हैं, सुधुक। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो ये पार्ट। सो मैं इस इतने से पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। सो देखो अभी क्या हो गया हमारा, देखो ये हो गया सेंट्रल वेन, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है हमारा ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एक तो हो गया हमारा हिपेटिक आर्टरी, दूसरा हो गया हमारा पोर्टल वेन। सो दोनों चीज क्या कर रहे हैं, अंदर ब्लड को डाल रहे हैं। तीसरी चीज हमने बात की यहाँ पे, जो कि थी हिपेटोसाइट्स की। सिमिलरली इस तरफ भी रहेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ब्लड आता है अंदर, ठीक है, इस ये सारे जो ब्लड अंदर तो जा ही रहे हैं सेंट्रल वेन की तरफ, लेकिन ये ब्लड से ना यहाँ पे भी आ जाते हैं। इनका प्लाज्मा जो है ना वो इस तरफ आ जाता है और क्या करता है, जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको यहाँ पे निकाल देता है बाहर,
और फिर अंदर चला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, ऐसा चलता रहता है। सेम वे यहाँ पे भी प्लाज्मा आता है अंदर, फिर बाहर चले जाता है, बाहर आता है, फिर अंदर चले जाता है, ऐसा ये चलता रहता है, चलता रहता है। सो देखो अभी होता क्या है, यहाँ पे जो कुछ ब्लड्स यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा यहाँ पे रह जाता है इसको हम बोलते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं और लिम्फ वेसल्स में जाते हैं और वहाँ पे हमारा बाकी का जो कैरीड आउट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में वो चला जाता है और वो इन शॉर्ट वो आगे जाके वो इन्फीरियर वेना कावा के पास मिल जाता है। सो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा जो रहता है ब्लड का, वो अंदर आता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, फिर चले जाता है। अगर कुछ नहीं वापस से रह गया तो अंदर आता है, टॉक्सिन्स निकालता है, चले जाता है। जो ब्लड यहाँ पे रह गया वो बन जाता है लिम्फ के अंदर। सो आप लोग को इतना तो समझ ही रहेगा। अब ये प्लाज्मा जो है वो बाहर कैसे आता है, सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन, ये जो हमारा वेसल है ये पोरस रहता है। पोरस का इसका मतलब ये है कि ये वेसल जो है साइनोसॉइड रहता है। साइनोसॉइड मैंने एक और जगह पे बात किया था, जब हमने रेटिना में पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड एपिथेलियम की जब बात की थी, तो उसके जो ब्लड सप्लाई में हमने बात किया था, जो पोस्टीरियर व्यू से आता है हमारा पोस्टीरियर सिलेरियाटी, वहाँ पे वो साइनोसॉइडल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता रहता है वहाँ पे। सेम वे यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन है ये पोरस होता है, यहाँ पे छेद रहते हैं, तो छेद यहाँ पे होल्स होने की वजह से ये प्लाज्मा बाहर आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हिपेटोसाइट्स की वजह से वो अपना एक्सचेंज कर देता है, जैसे कि हमारा डिफ्यूजन होता है लंग्स के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे भी होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बाइल डक्ट का भी, यहाँ पे अराइज होता है। सो बाइल डक्ट यहाँ से निकलते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। हाँ, देखो बाइल डक्ट भी यहाँ से आता है बाहर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो इस वेसल, इस डायग्राम में बनाता हूँ, बाइल डक्ट भी यहाँ से बाहर आता है और यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये तीनों मिल जा के बनाते हैं पोर्टल ट्रायड। सो बहुत बार एग्जामिनर्स ये भी पूछते हैं कि पोर्टल ट्रायड क्या होता है। सो पोर्टल ट्रायड, यहाँ पे तीन वेसल्स रहते हैं, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। सो ठीक है, आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक और वेसल रहता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स भी यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पोर्टल ट्रायड नहीं होना चाहिए, पोर्टल क्वाड्रेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार वेसल्स रहते हैं, लेकिन पोर्टल ट्रायड पहले से ही माना जा रहा है। सो इसके लिए हम भी पोर्टल ट्रायड भी यहाँ पे रखेंगे। सो ये हो गया हमारा पोर्टल ट्रायड। अब देखो बाइल डक्ट जो है, बाइल डक्ट का जो सिक्रेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब सेंट्रल टू पेरिफेरी जाता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये बाहर जाता है, बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ जाता है। सो ये सेंट्रीफ्यूगल है, और जो हमारा ब्लड अंदर आता है वो सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल है। सो ये आप ध्यान में रखना। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइल डक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ ज़रा सा। सो देखो बाइल डक्ट में क्या होता है, लीवर यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में लीवर है हमारा, लीवर हमारा राइट और लेफ्ट में पार्टीशन से, राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट दोनों जॉइनों के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जॉइन होता है, फिर वो आगे जाके हमारे ड्यूओडेनम के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पे अपना बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो भी सिक्रीशंस रहते हैं वो वहाँ पे वो सिक्रेट करता है। सो ये हो गया हमारा बाइल डक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, सो ये हमारा सेंट्रल वेन है, ठीक है। अब सेंट्रल वेन का ये सारे ब्लड अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस डायग्राम में मैं जूम करके आपको बताता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो सेंट्रल वेन है यहाँ से, यहाँ पे मैं पहले सेंट्रल वेन बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल वेन, और बहुत सारे सेंट्रल वेन्स यहाँ पे ज्वाइन होंगे। और ये जाएगा हमारा इन्फीरियर वेना कावा के अंदर,
कि नीचे से आई होती है, यहाँ से नीचे से आती है, क्योंकि वो जनरल क्या बोलते हैं, जनरल सर्कुलेशन का काम करता है। सो नीचे की जो भी वो ड्रेनेज लेके आती है वापस जाती है, सॉरी यहाँ पे नीचे ही मैंने बनाया है। सो ये यहाँ पे ज्वाइन होता है, जो हमारा जो सेंट्रल वेन है वो यहाँ पे पोर्टल वेन को अटैच होती है और जाके वो भी ड्रेन कर देती है वहाँ पे। सो ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझा रहेगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे ये जो स्पेस रहता है, यहाँ पे ये जो स्पेस है जहाँ पे प्लाज्मा इनटेक इन आउट होता है, आउट होता है, इन होता है, आउट इन होता है। सो ये स्पेस को हम बोलते हैं डीसी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DISEE डीसी। सो ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझा रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जाओ शेयर करो फ्रेंड्स, या चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भूलना ऑन करना भूलना मत, ताकि आप लोग को अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ में आप लोग को इसके नोट्स मेरे आयुर्वेदिक पेज पर मिल जाएंगे, जाओ चेक करो। आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लोग को मेडिकल बुक्स चाहिए, उनके PDF चाहिए, सो जाओ मेरे टेलीग्राम पेज पे चेक करो, ये ID है उसका। और एक बार वहाँ पे आप लोग को चेक करना बनता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स अपलोड कर चुके हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब के भी लिंक्स मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि किसी को भी वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। सो जाओ एक बार चेक करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होप, गुड बाय, थैंक यू।